व्यापी हड़ताल चल रहा है और उनके समर्थन में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि मेरे मोहल्ले में आग लग चुकी है, बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं। जब उनके बिल्डिंग कब्जा होंगे, GIC कमज़ोर होंगे, तो अगला हमला LIC पे होगा। और सरकार ने कह भी दिया है कि हम 15% IPO लाएंगे, मतलब शेयर मार्केट में इसके दरवाजे खोल देंगे, 15% शेयर बेचेंगे। तो जब ऐसी हालात होंगे, धीरे धीरे LIC निजीकरण की ओर चल पड़ेंगे। तो हमारी मांग है कि LIC का जो वर्तमान स्वरूप है इसको रहने दिया जाए, इसके बेहतर के लिए प्रयास किया जाए और बिना हमसे बहस किए संसद के अंदर, राज्यसभा, लोकसभा में कर्मचारी यूनियन से, पब्लिक से, 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, उनसे बिना बात किए बहस किए जबरदस्ती अध्यादेश के माध्यम से ये कानून मृत हो पाया, निजीकरण मुर्दाबाद। पहले आपके दुकान में कितने कर्मचारी रहे? पहले हम 7-8 कर्मचारी थे। आज ये हाल हो गया कि 1-2 कभी वो भी नहीं आ रहे हैं, अकेले काम करना पड़ रहा है। क्यों कर्मचारी कहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? काम ही नहीं है, काम घट गया है, काम एकदम कम हो गया है। आप क्या क्या परेशानी आपको झेलना पड़ता है, कहाँ क्या क्या बोलते हैं? ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल कम यूज करना है, क्योंकि सरकार इतना बढ़िया चल रही है, इसीलिए बोल दिए कि गरीबी मतलब यहाँ से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने महंगाई एकदम बढ़ा दिया है, पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया, इसीलिए जो है